मीठा बनाऊंगी, जिसमें कच्ची गरी का बर्फी बनाऊंगी मैं। तो गरी को मैंने दो गरी लिया है और इसको जो है तोड़ लिया है, इसका पानी निकाल लिया है। अब इसको इसका ये कड़ा वाला भाग निकाल के फिर इसको हम कद्दूकस करेंगे। हमने इसको आधा से ज़्यादा तो कद्दू कस कर लिया है और आधा इसको थोड़ा महीन कर लिया है ताकि ये बर्फी बंधने में अच्छी रहे, कायदे से बंध जाए। डाल रहे हैं 2 चम्मच देसी घी, मिल्क पाउडर लगेगा और देसी घी डालने के बाद हम इसको इसी में डाल के भून लेंगे। हमने कढ़ाही में 2 चम्मच घी डाला है। इसके बाद नारियल बूरा को हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम चलाते रहेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है, बस चलाना है इसको हल्का सा, ये थोड़ा सा सूखा हो जाए हम चलाएंगे। इसको 5 मिनट तक हम यूँ भूनते रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा हमारा ये देखिए सूखा सूखा हो गया है। अब इसमें हम आधी कटोरी से थोड़ा ऊपर दूध डाल देंगे, ये क्योंकि हमारी कटोरी बड़ी है तो इसमें आधी कटोरी से थोड़ा ऊपर दूध डाल देंगे और दूध डाल के इसको चलाएंगे। जब ये दूध है इसमें, ये देखिए नारियल का बूरा मेरा ब्राउन भी नहीं हुआ है और अच्छे से सूखा भी हो गया था। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे, इसमें आधी कटोरी के लमसम मिल्क पाउडर डाल देंगे। ये देखिए हमने मिल्क पाउडर डाल दिया है इसमें और इसको लगातार हम चलाते हुए इसको और ये हमारा ये मिल्क पाउडर जो है हमारा देखिए इसमें कायदे से हो गया है। अच्छा हमारा आधा किलो था तो इसमें हम लगभग आधा किलो चीनी भी डालेंगे। और इसको बराबर चलाते रहेंगे। बराबर से चलाते रहेंगे ताकि हमारा मिल्क पाउडर भी बराबर से मिल जाए और हमारा जो इसमें चीनी पड़ा हुआ है वो भी बराबर से मिल जाए। इसी खुशबू आ रही है और इसमें आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और थोड़े मेवे भी डाल सकते हैं इसमें। इसका बिल्कुल स्लो होना चाहिए क्योंकि धीमे धीमे आंच में हमको ये जो इसमें जलाव सा बन गया है इसमें चीनी बिल्कुल घुल जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमने एक ट्रे ले लिया है और इसमें घी लगा लिया है, इसी में हम भी इसको जमाएंगे। बर्फी अच्छी तरह से इसको हम भी चलाएंगे क्योंकि इसको जमना है तो अच्छी तरीके से जब ये घुल जाए तभी जमेगा। अब ये हमारा बिस्किट को हम 2 मिनट और चलाएंगे, इसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे, फिर इसको जमाएंगे। अब हमारा ये नारियल का बुरादा इसकी बर्फी देखिए हमारी बनाने लायक तैयार हो गया है, इसका जो डो है वो तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, ये कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको भूनिए चीनी डाल के। तो फिर जब ये बिल्कुल बंधने लगे तब समझिए कि हो गया है। इसके बाद आप ये देखिए दोस्तों, अब हमने इस डो को फैलाना शुरू कर दिया है। ये नारियल का हमने ऊपर का भाग नहीं निकाला है, जो भूरा वाला भाग होता है नहीं निकाला है, इसलिए थोड़ा ये ब्राउन है, नहीं तो ये सफ़ेद होता है। देखिए बहनों, अब हम इसको
फैला रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम फैला रहे हैं अपने हिसाब से, जितना आपको मोटा या पतला रखना हो बर्फ़ी का ये डो, उतना आप मोटा या पतला फैला दीजिए इसको। और इसके बाद जब ये थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाए तब इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमने बर्फ़ी को इस तरह से जमा दिया है। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर इसकी हम कटिंग करेंगे, और खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आप भी बनाइए और खाइए, देखिए कमेंट करिए कल की लच्छेदार बर्फ़ी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा, बना के खाइएगा फिर बताइएगा। देखिए हमने इतना मोटा रखा है बर्फ़ी का साइज, आपको जितना मन हो उतना आप पतला या मोटा इसमें कर सकती हैं, रख सकती हैं इसको। देखिए दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से मिल्क पाउडर और डाल रहे हैं ताकि खाने में और देखने में बहुत अच्छा लगता है। खाने में भी तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, जैसे बिल्कुल लगता है कि हम खोया, बिल्कुल खोए की बर्फ़ी खा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ऐसे ही बनाइए, अगर छोड़ना हो तो आप लोग इलायची का पाउडर भी छोड़ सकती हैं और थोड़े। तो अब इसको हम कटिंग कर देंगे, नहीं तो ये जब जम जाएगा तब थोड़ा मुश्किल होगा कटिंग करना, अभी उठाने में बहुत आसानी होगी इसको। ये देखिए कितने आसानी से कटिंग हो रहा है, ये देखिए लीजिए। हम तो चौकोर कर रहे हैं, आपका मन हो तो आप तिकोना भी काट सकती हैं इसको। देखिए दोस्तों, मेरी नारियल के लच्छे की बर्फी तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मुलायम, बिल्कुल खोए की तरह। आप खाएंगे तो एक बार वाह ज़रूर करेंगे। इस समय तो गणेश चतुर्थी चल रही है, भगवान गणेश जी को नारियल बहुत ही पसंद है, आप बना सकते हैं और भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, और बहुत मस्त है। खा के आप एक बार देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बर्फी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।